Hi everyone and welcome to SecShots. So first of all, I'm very happy to announce that we are going to launch this initiative called Therapy for All. So first of all, I would like to invite psychologist Monica Sharma, जिन्होंने हमारे साथ collaboration किया और इस initiative को हम उन्हीं की वजह से आज कर पा रहे हैं. Welcome ma'am and thank you so much. आपने इस initiative को करने के लिए आप राजी हुए और इवन आप ही इस आइडिया के साथ मेरे पास आए थे. आई रिमेंबर दैट कॉल. सो ये बहुत अच्छा है और आई होप कि सभी लोगों को ये आइडिया अच्छा लगेगा. तो क्या है ये सब और किस तरीके से हम ये करने वाले हैं, आप ही एक्सप्लेन कर दो तो ज़्यादा बेटर है. हाँ नितिन, तो सबसे पहले तो हेलो ऑल ऑफ यू. काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक नया इनिशिएटिव हम ये शुरू करने जा रहे हैं टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, क्योंकि हमारे कंट्री में अभी भी मेंटल हेल्थ को लेकर के काफ़ी स्टिग्मा है और थेरेपी सेशंस को लेकर के भी काफ़ी स्टिग्मा है. लोग ओपनली आते नहीं हैं और बात नहीं करना चाहते और उनको समझ में भी नहीं आता कि थेरेपी सेशंस हमको कैसे हेल्प करेंगे. तो इस इनिशिएटिव में हम वही सारी चीज़ें समझाने जा रहे हैं. और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये इनिशिएटिव केवल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है. किसी भी एज ग्रुप के लोग इसको बेनिफिट ले सकते हैं और किसी भी, मतलब आप जेंडर के हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सभी को ये हेल्प करेगा. यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस पाएंगे जो आप थेरेपी सेशंस में जाकर के लेते हैं. कुछ लोग थेरेपी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि थेरेपी को एक्सपेंसिव कहा जाता है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी पर्सनली, मतलब बोला है जब मैं क्लाइंट्स को मिलती हूँ कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, या मैसेजेस भी आते हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है. तो हमारा एक इनिशिएटिव इसलिए भी है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी थेरेपी के बेनिफिट्स मिले. और दूसरा एक वो ग्रुप भी है जो ये समझ नहीं पाता कि थेरेपी हेल्प कैसे करती है, इसमें हम सोल्यूशन कैसे लेंगे. तो उन सभी को इसमें हेल्प मिलेगी और आप सब लोग अपने क्वेश्चंस, अपनी प्रॉब्लम्स, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो. रिलेशनशिप का मतलब केवल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप नहीं होता, ये रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ठीक है, तो अपने किसी भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को आप डिस्कस कर सकते हैं, उसका सलूशन ले सकते हैं. आप अपनी हेल्थ को लेकर के अगर कुछ चीज़ को परेशान है, कुछ बॉडी इमेज इश्यूज हैं, आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. एजुकेशन को लेकर के डिस्कस कर सकते हैं. मतलब इन शॉर्ट में ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से को लेकर के अगर मेंटली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, टेंस फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, कन्फ्यूज फील कर रहे हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे इस नए इनिशिएटिव में मिलेगा जो मैं साइक शॉर्ट्स के साथ मिलकर के करने जा रही हूँ. सो थैंक यू सो मच और बाकी जो भी डिटेल्स है वो नितिन आपको एक्सप्लेन करेंगे. यस यस मैम, श्योर, आगे की प्रोसेस में एक्सप्लेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थेरेपी फॉर ऑल इनिशिएटिव को आप इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते. इसका सबसे पहला जो हिस्सा है वो ये है कि हर हफ्ते आपके पूछे गए सवालों पर एक एक हम वीडियो अब से बनानी चालू करें. उन वीडियोज में होगा क्या, और कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप ही के सवाल और आपका जवाब बाय मोनिका शर्मा. आपने मान लीजिए कोई सवाल पूछा है तो उस सवाल का जवाब दे रही होंगी मैम उस वीडियो में. बस एक वीडियो स्पेसिफिक आप ही के सवालों के लिए अब से आने वाली है. मतलब हर हफ्ते एक वीडियो आएगी और उस वीडियो में क्या होगा, जो आपने सवाल पूछे होंगे उसके जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वन. ठीक, ये पहला पार्ट है. अब बात आती है कि भाई हमने सवाल पूछने कहते कैसे. तो सवाल आपने अपने ऐसे पूछने हैं कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने अपना कोई सवाल पूछना है, नितिन का ये सवाल है, तो मैंने नीचे लिख दिया #ask और उसके बाद मैं अपना अब आगे सवाल लिखूंगा कि मैम मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं इससे बहुत परेशान हूँ और कैसे मुझे इसका सोल्यूशन मिल सकता है, आपके हिसाब से मुझे इसमें क्या चीज़ करनी चाहिए. तो मैम आपको इसका जवाब देंगी अगली वीडियो में, मतलब जो अगली हमारी वीडियो आएगी उसमें, थेरेपी फॉर ऑल वाली वीडियो, उसमें आपको आपका जवाब मिल जाएगा. अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार नहीं बताना चाहते आप अपनी दिक्कत, मतलब कमेंट सेक्शन में आपको सही फील नहीं हो रहा है, तो दैट्स ऑल्सो फाइन. आप हमारी इंस्टाग्राम IDs पर भी हमें DM कर सकते हैं. IDs आपको दिख रही हैं, साइक शॉट मेरी ID है, यहाँ पर आप मुझे भेज सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मैम को भी भेज सकते हैं. मैम की ID भी इंस्टा ID स्क्रीन पर आपको दिख रही है. तो आप यहाँ पर हमें DM भी कर सकते हैं अपने सवाल, और उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. तो ये हो गया पहला सेगमेंट. अब दूसरा सेगमेंट, जो कि आई थिंक ऐसा इनिशिएटिव बहुत कम आपने देखा होगा किसी भी साइकोलॉजिस्ट को ऐसा करते, एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक मोनिका मैम फॉर दिस.
जो इस तरीके के काम को करने के लिए एग्री हुई, और बल्कि उन्होंने ही ये आइडिया भी मेरे साथ सबसे पहले इनिशिएट किया था, डिस्कस किया। तो इसमें क्या होने वाला है कि अब से हर महीने एक सेशन मैम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे। रैंडमली हम अगेन ये भी चूज करेंगे। अब इसकी क्या प्रोसेस है, और ये सेशन मैं पूरा फुल फ्लेज्ड सेशन कह रहा हूँ, मतलब पर्सनल आपका सेशन होगा जैसा मैम नॉर्मली अपने क्लाइंट्स का सेशन लेती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एक सेशन हर महीने अरेंज करवाया जाए। तो अब उसमें भी अगेन रैंडमली हमने चूज करना है, तो आपने क्या करना है उसकी प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का एक लिंक आपको दिखेगा, उस गूगल फॉर्म को आपने फिल करना है। उस फॉर्म में बेसिक आपकी डिटेल्स हैं कि भाई आपका नाम क्या है, ईमेल आईडी वगैरह आपकी डिटेल्स, और उसके बाद आपने नीचे थोड़ा सा अपना कंसर्न लिखना है। मतलब वो आपको पढ़कर पता चल जाएगा फॉर्म में जो सब है कि भाई मेरा लगभग ये कंसर्न है और इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ सेशन पे। तो वो बस आपने भर देना है, और उसे भरने के बाद डन जरूर लिखना है कमेंट में, क्योंकि सेलेक्ट उसी को किया जाएगा। और ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही ऑफर है, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ये थेरेपी सेशन है। तो आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में डन जरूर लिखना कि मैंने फॉर्म भर दिया है और आपने डन उसके बाद। तो बस इतनी सी चीज है जो आपने करनी है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वीडियोस हर हफ्ते आएंगी, आपने अभी से ये काम करना चालू कर दो। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख दो, यहाँ नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, हमें आप डीएम कर दो अपने सवाल। साइक शॉट की आईडी आपके सामने है और मैम की भी आईडी आपके सामने है, डीएम कर दो, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ लो। और इसके अलावा गूगल फॉर्म भी भर देना, अगर आपको थेरेपी सेशन चाहिए तो आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं, और गूगल फॉर्म आपके सामने, उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, तो उसको आपने बस फिल आउट करना है, और देन रैंडमली आपको हम चूज कर लेंगे, और मेल के थ्रू या फिर आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर हम खुद से आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपको बता देंगे कि इस दिन इतने बजे आपका सेशन। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। बस एक चीज़ मुझे आप लोगों से चाहिए कि इसे सपोर्ट ज़रूर आप भी दिखाना। अगर ऐसा इनिशिएटिव हम आपके लिए ला रहे हैं तो ऑल वी नीड इज़ जस्ट योर सपोर्ट। इसे शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि सभी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, और ये मिथ जो है कि भाई थेरेपी सही नहीं है, या जितने भी स्टिग्माज अभी तक हमारी सोसाइटी में अटैच हैं, उन सबको हम तोड़ सकें। एंड ऑल्सो थेरेपी इज़ नॉट एक्सपेंसिव नाउ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।